सवाल सीधे आपसे होगा, आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, हाल ही में एनसी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को परमिशन इजाजत नहीं मिल रही है इलेक्शन कराने की, आपको क्या लग रहा है 5 साल बीत गए, क्या मेन फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हुए? हाल ही में 5 स्टेट्स का इलेक्शन अनाउंस किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वहां पे भी देखने को मिला। देखो, जो आज हमने प्रदर्शन रखा है वो इस चीज के खिलाफ रखा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार इस वक्त है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी सरकार जो है सेंटर से लेके स्टेट तक, यहाँ यूटी दिवस मना रहे हैं आज 31 अक्टूबर को। शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को यूटी दिवस मनाने की? इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था हम यहाँ रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करेंगे, हम यहाँ इंडस्ट्रियां लाएंगे, हम यहाँ बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, रोड सेक्टर है, वो हम आगे पहुंचाएंगे। तो ये इनको शर्म नहीं आती है, 4 साल इन्होंने यूटी दिवस नहीं मनाया, आज ये यूटी दिवस मना रहे। हम इनको कहते हैं कि यूटी जो है बाहर जहां तुम रहते हो वहां बनाओ, जम्मू कश्मीर में यूटी की जरूरत नहीं है, हमें इलेक्शन चाहिए और रियासत का दर्जा बहाल चाहिए। सवाल ये है, तुम लोग क्यों नहीं हो पा रहे? ये लोग जो है डर रहे इलेक्शन से, इन्होंने इलेक्शन कारगिल में करवाया, वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी, वहां से लोगों ने इनका सोपड़ा साफ कर दिया। अभी ये यूएलबी से भी डर रहे हैं, पंचायतों से भी डर रहे हैं, असेंबली इलेक्शन को ये रोज जो है नया नया आर्डर निकाल के वोटर लिस्टों की रिवीजन है, वो है, ये है, 5 साल से रिवीजन कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टेट भी वापस दो और इलेक्शन भी यहाँ करवाओ। लास्ट सवाल है, दो अटैक नॉर्मलसी का क्लेम हुआ हाल ही में श्रीनगर और साथ ही साथ में अनंतनाग में कल एक नॉन लोकल लेबर को जो शूट किया गया, लेकिन बीजेपी और सेंटर का दावा नॉर्मलसी है। देखो, ये यहाँ पे यही नहीं बल्कि जहाँ रियासतों में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे बड़ा ढोल बजा रहे हैं, हमने कश्मीर के हालात सुधारे, हमें वहाँ नॉर्मलसी लाई, इस स्टेट को, इस रियासत को इनने जहन्नम बनाया यूटी बना के। अभी देखो, डोंगरी में अटैक, पुंछ में अटैक, रजौरी में अटैक, कालाकोट में अटैक, कुकड़नाग में अटैक, रात को हमारा SHO मारा गया, रियासत का लेबर मारा गया, कौन सी नॉर्मलसी? ये बाहर रियासतों में डोंग रचा रहे हैं, उन रियासत के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आके जम्मू कश्मीर में देखो इन्होंने कैसे जहन्नम बना के रखा है, और आज ये यूटी दिवस मना रहे उसके मुखालफत में हम यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। बड़े सवाल उठ रहे हैं बीजेपी को लेकर कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए, वही बीजेपी डर रही है, नॉर्मल सी क्लेम हो रही है। लेकिन सवाल अब यह है, तस्वीरें जरा देखिए, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें उसकी सारी लीडरशिप यहां बैठी है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाल ही में हमने बात की रमन बल्ला जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। स्टेटहुड की बात की जा रही है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, यूटी दिवस रियासत का दर्जा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रियासत का दर्जा, रियासत का दर्जा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, रियासत का दर्जा, का दर्जा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इल्जाम बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंटर के ऊपर लग रहे हैं। हाल ही में 5 स्टेट्स का इलेक्शन अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का दावा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डर रही है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि हाल ही में जो लेफ्ट काउंसिल के अंदर रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को देखकर अब बीजेपी गलती से भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करना चाहेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्कर्स, लीडर्स और प्रेसिडेंट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ हो रही है।